एक होता है हिदायत के लिए, एक होता है इरादत के तरीक, एक होता है इसाल इल मतलूब। इसाल इल मतलूब किसे कहते हैं? किसी जगह को, किसी शख्स को मुझे आप बता दें। इरादत के तरीक किसे कहते हैं? हाँ जी, जो आप उसको बताना है वो क्या होगा? हिदायत के ना कई माने होते हैं, दो माने हमने जो बयान किए थे वो ये थे, एक था इरादत तरीक और एक था इसाल इलल मतलूब। मिसाल के तौर पे हमने मिसाल दी कि ट्रैफिक चौक पे ना कोई बंदा आता है और कहता है कि मैंने राइस साहब के इदारे के अंदर जाना है। एक बंदा खड़ा होकर बता देता है इस तरह सीधी सड़क पे जाना है, सामने मरकज अहले हदीस का बोर्ड लगा है, तो आप इस तरह चले जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे। इसे कहते हैं इरादत तरीक के रास्ता सिर्फ बता देना। और इसाल इलल मतलूब के जो बंदा जिस जगह की तलाश के अंदर है उसको उसकी मतलूबा जगह तक पहुंचा देना, ये इसाल इलल मतलूब होता है। अच्छा, हिदायत कोई दे सकता है? हिदायत कोई नबी, कोई वली दे सकता है? हिदायत कौन दे सकता है? नबी दे सकता है? नबी हिदायत दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? नबी जो बना के भेजा वो हिदायत नहीं दे सकता, तो फिर नबी क्यों दे सकता है? नहीं दे सकता। नबी को पैगाम रसा बना के भेजा, दावत दे भेजा, नबी नहीं हिदायत दे सकता, तो और कौन दे सकता है? आप दे सकते हैं? नबी नहीं दे सकता। कोई मिसाल दे दे, कोई मिसाल दे दे इस बात की। आप नहीं थे, लेट आए थे, हाँ जी, कोई मिसाल, मिसाल कोई मिसाल। हाँ जी, हाँ जी, हदायत सब चश्मा सतुल्ला पाक की बात है, सुल्ला पाक की हदायत दे सकते हैं, जिस तरह अबू तालिब की आखिरी टाइम के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप कलमा पढ़ें। हाँ जी, हदायत, लेकिन उनको कलमा नसीब नहीं, लोगों ने कहा नहीं जनाब, इस उम्र में आप क्या उनको छोड़ देंगे? हाँ जी, तो दूसरे नबी की बात भी थी हदायत के हवाले से, दो भी साल अगर अनुभव क्या बातें बताई थी कि हिदायत कोई नहीं दे सकता, हिदायत सिर्फ अल्लाह दे सकते हैं। अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देता रहे, कुफार के साथ मुकाबला करता रहे, आपको सल्लम को वसीयत देने के लिए वो आते थे, लेकिन मुकाबला करके उनको रोकता रहे, लेकिन उसने कलमा नहीं पढ़ा, तो वो बंदा नबी सल्लम उन्हें भी नहीं हिदायत दे सकते। अगर नबी के इख्तियार के अंदर हिदायत होता तो अपने चचा को देते, अगर नबी के इख्तियार के अंदर होता तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को पानी के अंदर गर्क होने से, डूबने से हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है ना वो बचा लेते। अच्छा, आप बता दें इहदी ना तस्निया का सिगा वायद का सिगा है? तस्निया का जमा का है, जमा क्यों है? इहदी ना जब हम जमा का सिगा हम जमात में पढ़ रहे होते हैं फिर भी इहदी ना पढ़ते हैं, हम अकेले पढ़ रहे होते हैं फिर भी ये दिन पढ़ते हैं, इसका जवाब ये बात हो गई कि एक दिन सिरात अल-मुस्तकीम के एतबार से जो है ना ये मुकम्मल हमारी बात जो है ना वो हो गई है कि हिदायत देना जो है ना वो अल्लाह ताला के ही अख्तियार के अंदर है। अच्छा, रिकॉर्डिंग क्या? अच्छा, मुसरत आमद के हवाले से किसी सहाबी की कोई बात बयान की थी कि रसूलुल्लाह सल्लम ने किस तरह बताया था कि इहदिनस सिराते मुस्तकीम की तफसीर किस तरह की, तो बात बयान करते हैं। आप बता दें नमाज के सम्मान की जो रिवायत हमने बयान की थी
नवाज के दुश्मन रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि जो रसूल अल्लाह सल्लम ने इसकी तफसीर करते हुए समझाया कि एसहाबा इकराम की जमात एक रास्ता सीधा है, उसके दाएं और बाएं जानिब ना दरवाजे खुले हुए हैं और आगे पर्दे लटके हुए हैं। पर्दे की डेकोरेशन बंदा देख के पर्दे के अंदर दाखिल हो जाएगा और दरवाजा ये कहेगा कि तू इसके अंदर दाखिल ना हो, और दाखिल हो जाएगा जो बंदा वो गर्क हो जाएगा। मिसाल ये दी थी कि जिना हमें शैतान अच्छा करके बताता है, यार कमरा भी है, ठीक है, कोई देख भी नहीं रहा, सब कुछ मौजूद है, तो जिना कर ले, लेकिन जब अंदर जाएगा कर लेगा, बाद में वो पशेमान होगा और शर्मिंदा होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा एक गुनाह करता है अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लगा देते हैं, वो नुक्ते लगते 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 उसका दिल स्याह हो जाता है, फिर वो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता, फिर वो कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है। सिरात रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का अनअमता जिन पर तूने इनाम किया, अलैहिम माना होता है अलैहिम का उन पर, लेकिन यहाँ पे हम उन पर करेंगे तो ज्यादा माने वादे नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे मफहूमन तर्जमा करेंगे। सिरात माना रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का अनअमता जिन पर तूने इनाम किया, अलैहिम उन पर या जिन पर, दोनों ठीक हो सकते हैं, जिन पर तूने इनाम किया या उन पर तूने इनाम किया। गैरी ना के अलमूबी गजब हुआ अलैहिम उन पर और ना वो गुमराह हुए, वामना और ला नहीं अज़ालिम गुमराह। अच्छा यहाँ पे जो है ना हम बात करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे बात बयान की है कि जो तुमने रास्ते की तलब करनी है ना, वो बताया सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ या उन पर तेरा इनाम हुआ, वो कौन से लोग हैं? वो फरमाया कि उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये चार बातें बयान की हैं कि हिदायत पाने वाले और जिनकी तरह हिदायत तलब करनी है वो चार लोग हैं। याद रखें कि हम जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लम की खत्मे नबूवत के कायल हैं और हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आ सकता, लेकिन कादियानी हज़रात जो हैं वो यहाँ से इस्तदलाल करते हैं, कहते हैं कि अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम जिन पर तूने इनाम किया, यानी कि अल्लाह ने इनाम किया अम्बिया पे, उन्हें नबी बनाया, पहले माँ के पेट से पैदा होते कोई भी नबी नहीं था, जब अल्लाह ने नबूवत दी तो नबी हुआ है, नबूवत के बाद उन्हें नबी कहा गया, रसूल कहा गया, जब उसमें वही आई है कोई पैगाम आया उसके बाद। मिर्ज़ा कादियानी ये कहता है कि इबादत करते करते बंदा सिद्दीक बन जाता है, बंदा अल्लाह का प्यारा बन जाता है, और इसी तरह इबादत करते करते जो है ना वो बंदा नबी भी बन जाता है। जबकि अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र किया सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अनअमता की दूसरी तफसीर जो मैंने आयत पढ़ के बताई है, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु, अनअमल्लाहु और अनअमता, अनअमल्लाहु के इनाम किया अल्लाह ताला ने, किन पर इनाम किया है? नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर और सालिहीन पर इनाम किया है, कि अल्लाह ने उनको हिदायत दी है। और अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी यहाँ पे ज़र्ब लगाई है कि बंदा इबादत करते करते सिद्दीक नहीं बन सकता, नबी नहीं बन सकता, इबादत करते करते शुहदा के दर्जे पे नहीं पहुंच सकता, जो अल्लाह ने सालिहीन पैदा किए उन तक नहीं पहुंच सकता, जो सहाबा किराम सालिहीन थे हम उन तक पहुंच सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने इबादत की है। अल्लाह ताला ने कैद लगाई है कि उलाइका मअल्लज़ीना, उलाइका मा का माना होता है साथ, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु के ये लोग जो हैं उन लोगों के साथ होंगे, क़यामत वाले दिन क्या होंगे, उन लोगों के साथ होंगे, ना के नबी होंगे, ना के शुहदा होंगे, ना के सिद्दीकीन होंगे। तो यहाँ पे ये बात नहीं बयान की, बल्कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है कि उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु, यहाँ पे अनअमता अलैहिम, वहां पे चार चीजों का जिक्र कर दिया कि चार बंदे कौन है जिन पे इनाम किए, नबियों पे इनाम किया, अल्लाह ने उनको हिदायत दी है,
और उसके बाद सिद्दीकीन उन पे इनाम किया है, शुहदा पे इनाम किया है, सालिहीन पे इनाम किया है, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी है। अगर तुम भी चाहते हो हिदायत तलब करना तो फिर तुम दुआ करते रहो सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम के हमें भी हिदायत दे जिस तरह अल्लाह तुमने उनको हिदायत दी। फरमाया कि ठीक है आपको हिदायत मिल जाएगी, आप नबी नहीं बन सकते, सिद्दीक नहीं बन सकते, शुहदा और सहाबा के दर्जे तक आप पहुंच नहीं सकते, बल्कि फरमाया उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इन लोगों के साथ आपको खड़ा कर देगा। ये बात समझ आ गई है, बात समझ आ गई है इस हवाले से, बड़ी अहम बात है, ज्यादा बातें नहीं हम करते। सिरात अल्लज़ीना रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का अनअमता अलैहिम इनाम किया जिन पर या उन पर जिन पर तूने इनाम किया उन पर तूने इनाम किया उन लोगों का रास्ता मुझे दिखा दे। गैर ना दिखाना गैर ना अल-मग़ज़ूब गज़ब किया अलैहिम उन पर उन लोगों का रास्ता ना दिखाना कि जिन पर तूने गज़ब किया है। यानी कि मतलब क्या है, अल-मग़ज़ूब से मुराद जो है वो यहूद है, वला ज़ालिम और ना जो गुमराह हो गए वो लोग कौन है, वो नसारा के लोग हैं, वो नसारा के लोग हैं। अज़ालिम से मुराद नसारा है और अल-मग़ज़ूब से मुराद यहूदी है। ना रास्ता दिखाना यहूदियों का जिन पर तेरा गजब हुआ है उनका रास्ता नहीं दिखाना और ना ही उनका जो लोग गुमराह हो गए। अब इस बात से यहाँ पे बात समझने वाली है, अल-मग़ज़ूब यहाँ पे आम है और जबकि हमने खास कर दिया सिर्फ यहूद के साथ, बल्कि यहूद का कह के ये बात बता दी है कि जिस तरह यहूद गुमराह हुए रसूल, पहले ये यहूदी कहते थे, ये यहूदी कहते थे कि एक नबी आने वाला है, हमारी तौरात के अंदर लिखा हुआ है एक नबी आएगा, हम उसके उसके हाथ के ऊपर बैत करेंगे, हम इस्लाम कबूल करेंगे और उसके बाद हम मोमिन बन जाएंगे और हम तुम्हारे साथ जो है ना वो किताल करेंगे। ये पहले जो नबी थे उनसे उनको कहते थे कि हम में से वो नबी आएगा और हम तुम्हें जो है ना वो कत्ल करेंगे, हम तुमसे बदले लेंगे, ये बातें कहते थे। लेकिन जब जो नबी आ गया तो इनका क्या करते अमल था, जो नबी के हक के अंदर आयतें होती थी वहां पे हाथ रख लेते थे, वहां पे हाथ रख लेते थे, यानी के रसूलुल्लाह सल्लम की पेशीन गोइयों के बारे में और अल्लाह की शरीयत और हुक्म के बारे में कुरान मजीद और हदीसों पे हाथ रख के लोगों को गुमराह करना ये यहूदियों का काम है। सच बात ये ना बताना, पता होने के बाद भी सच बात को लोगों तक ना पहुंचाना, ये किन की निशानी है, ये यहूदो नसारा की निशानियां कि वो हक बात को क्या करते थे, छुपा लेते थे। जिसको पता है रसूलुल्लाह सल्लम ने नमाज किस तरह पढ़ी है, रसूलुल्लाह सल्लम का शब रोज कैसे है, तो यहाँ पे ये अमूम है। वो लोग अल्लाह उनका रास्ता ना दिखाना कि जिन पर तेरा गजब हुआ है, जो अल्लाह की आयात को छुपा लेते हैं, हदीस रसूल को छुपा लेते हैं। हमारा इमाम ये कहता है, और भाई यहाँ पे इमामों की बात नहीं चलती, बल्कि यहाँ पे तो इमामुल अंबिया की बात चलती है, यहाँ पे छोटे छोटे पीर फकीरों की बात नहीं चलती, बल्कि यहाँ पे तो पिराने पीर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चलती है, उनके बाद कोई भी पीर नहीं है, वो सबसे बड़े पीर है। गैर मग़ज़ूबी के ना रास्ता दिखाना उन लोगों का जिन पर तूने क्या किया, गज़ब किया, वला ज़ालिम और ना वो गुमराह हुए। और आगे हम कहते हैं वला ज़ालिम आमीन, हम कहते हैं आमीन जबकि कुरान मजीद के आखिर के अंदर लिखा नहीं गया, जबकि हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें जिस तरह हमने वही की दो किस्में पढ़ी, वही मतलू और गैर मतलू, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया कि जो बंदा जब इमाम वला ज़ालिम कहे, इमाम आमीन कहे तो तुम भी उसके साथ आमीन कहो, जो बंदा आमीन उसके साथ कहेगा अल्लाह ताला उसके साथ का तमाम गुनाहों को माफ करवा देगा। अब कितनी बड़ी फजीलत है इसकी, ये कोई रिवायत जो है वो मुनकते नहीं है, बल्कि ये रिवायत मुतसल हदीस है, सहीहैन की रिवायत है, इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। और हजरत अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब हम मस्जिद के अंदर आमीन कहते तो आमीन के साथ वो मस्जिद नबी के जो खजूर के पत्तों के साथ और उनकी टहनियों के साथ बनी थी वो गूंज गूंजी थी इतनी मस्जिद, इस तरह तो उसके पत्ते भी हिलने लग जाते थे, यानी कि आवाज के अंदर वो थरथराहट होती है, जब बैग चलता है ना वो साउंड इस तरह करता है, इससे पता लगा कि आवाज के अंदर थरथराहट होती है और वाकई ये पत्ते जो है ना ये थरथराते थे और हिलते थे। आमीन कहना ये जरूरी है, इंतहाई जरूरी है, शर्म की क्या बात होती है। वरन ज़ालिम इमाम ने कहा, इमाम ने आमीन कहा, तुम उसके साथ आमीन को और इस फजीलत को तुम हासिल कर लो। और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इमाम की आमीन के साथ अपनी आमीन को मिला लेता है और फिर वो बंदा नमाज से फारिग होने के बाद जो दुआ करता है अल्लाह उस बंदे की वो दुआ कबूल करवा देता है। अब ये छोटी फजीलत है,
ये कोई ज़ईफ या कोई मौज़ू हदीस नहीं है, बल्कि सही हदीस है। पता नहीं वो गैर मक़्तूबी अलैहिम के अंदर वो कौन कौन से लोग आते हैं, आप अपने माशरे के अंदर वो तमाम लोगों को आप देख सकते हैं कि जो इत्माने हक करते हैं, जो हक को छुपाते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को छुपाते हैं। जो अल्लाह ताला ने ये पैगाम दिया है हमें सूरत फातिहा के अंदर, जो पैगाम दिया है आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्लि ताला पहली सूरत का इख्तिताम किया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इसी तरह आगे भी कुरान मजीद को समझने की तौफीक अता फरमाए। इस बात से किसी भाई को कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ सकता है, तर्जुमा दोबारा कर दें। अल्लाह के क्या मान सिरात रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का अनअमता तूने इनाम किया अलैहिम उन पर, सिरात रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का अनअमता तूने इनाम किया अलैहिम उन पर गैर ना अल मग़ज़ूब गुस्से हुआ अलैहिम उन पर वलज़ालिम वा और ला नहीं अज़ालिम गुमराह हुए। अब तर्जमा समझने का है जिस तरह मैंने मुकम्मल आपको समझा दिया है। सिरात का मतलब है कि रास्ता, अल्लाह जीना उन लोगों का अनाम तारीम जिन पर तूने इनाम किया, अल्लाह रास्ता उन लोगों का दिखाना है जिन पर तूने इनाम किया है। अब बात समझे, सिरात रास्ता गैर मग़ज़ूबी उन लोगों का रास्ता नहीं दिखाना अलैहिम जिन पर तेरा क्या हुआ है मग़ज़ूबी अलैहिम जिन पर तेरा गजब हुआ है जिन पर तू नाराज हुआ है उनका रास्ता नहीं दिखाना वाला ज़ालिम, यानी के सिरात यहाँ पे सिरात इसका ताल्लुक पीछे सिरात के साथ जाएगा, हम फिर वो नावी बहस नहीं करते, सिरात के साथ ताल्लुक जाएगा कि अल्लाह उनका भी रास्ता नहीं दिखाना जो लोग क्या हुए हैं गुमराह हुए हैं। अलहम्दु तमाम तरीके लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का पालने वाला है, अर्रहमान अर्रहीम जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन क़यामत के दिन का मालिक है, इय्याका हम खास तेरी इबादत करते हैं, इय्याका नअबुदु हम खास तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन और खास तुझ ही से मदद मांगते हैं, एहदिना हमें दिखा सिरात अल मुस्तकीम सीधा रास्ता, सिरात रास्ता किन लोगों का सिरात रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का अनअमत अलैहिम जिन पर तूने इनाम किया गैर ना रास्ता दिखाना अल मग़ज़ूब अलैहिम जिन पर तेरा गज़ब हुआ या उन पर तेरा गज़ब हुआ वलज़ालिम और ना वो गुमराह हुए और उन लोगों का भी रास्ता ना दिखाना जो लोग गुमराह हुए। इसी तरह समझ के तर्जमा करेंगे तो समझ आ जाएगी, समझ आइए तर्जमे की। ये देखें ये कुरान मजीद के अंदर ये सिरात है ये मग़ज़ूब है वलज़ालिम है इन दोनों का ताल्लुक जो है ना वो सिरात के साथ जाता है। अल्लाह रास्ता इन तीनों बातों का ताल्लुक सिरात के साथ जुड़ा हुआ है, रास्ता दिखाना है जिन पर तेरा इनाम हुआ है, रास्ता नहीं दिखाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ है, रास्ता नहीं दिखाना जो लोग क्या हुए हैं गुमराह हुए हैं। इन इस सिरात का ताल्लुक इन तीनों बातों के साथ है, वो कैसे है इतनी बात आपको काफ़ी है कि इन तीनों के साथ सिरात का ताल्लुक, कोई बात इस हवाले से समझ नहीं आई तो बता दो। मुत्तसिल वही बात की है, मुतवातिर जो हमने बात समझाई है ना जो बात मुत्तसिल कही है, मुत्तसिल के इसके अंदर कोई नक़्स और कमजोरी नहीं है, ये मुत्तसिल रिवायत है ये मुतवातिर रिवायत है। अब देखे ना कि बात होती है अगर हम मुत्तसिल और मुनक़ते के बारे में ना पढ़ते, मैं कहता हूँ मुत्तसिल है मुतवातिर आपको क्या पता लगना था कि ये मुत्तसिल है, अब मुत्तसिल कहता हूँ आपके ज़हनों के अंदर फौरन वो बात आ जाती है जो हमने पढ़ी है, मुत्तसिल है ये बात। हाँ जी वलज़ालिम हाँ जी लफ्ज़ी में हाँ जी लफ्ज़ी में लफ्ज़ी मानी गुमराह वलद वा का माना है और ला का माना है ना अज़ालिम गुमराह और ना रास्ता दिखाना उन लोगों का जो लोग गुमराह हुए। तर्जमा इस तरह हो जाएगा अनंत अलैहिम जिन पर तूने इनाम किया। अच्छा समझ आ गई है सबको बात आ गई है। अच्छा आप हनी अनंता के भी साथ है मक़्ज़ूब के भी साथ है और अज़ालिम के भी साथ है। अच्छा बात सबको समझ आ गई है ना। अच्छा आप बात बताना बयान कर दें कि कादियानी क्या इस्तदलाल करते हैं यहाँ से। हाँ जी कादियानी क्या इस्तदलाल करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी समझ नहीं आई पूछे यार नहीं समझ आई क्या फायदा है फिर वो एक आयत पढ़ने का आपको उसका नहीं पता लगता। तीन बातें की हैं उसमें से एक भी ना आए तो क्या फायदा बता दें आप। कादियानी ये कहते हैं
कि आप जितनी ज़्यादा इबादत करते जाओगे आप सभी कीम या उन मराते पर या उन रत बुरत पर तक पहुँच सकते हो, लेकिन हम कहते हैं नहीं, कि क्यामत वाले दिन इंशाल्लाह ताला उनके दर्जे के बराबर या उनके साथ खड़े होंगे लेकिन उन तक पहुँच नहीं सकते। उलाई का माल लजीना माँ कमाना है साथ, कि उन लोगों के साथ होंगे वो नबी सिद्दीक बनना नहीं बन सकता। अच्छा, और उसके बाद जो है ना, उसके बाद हमने बात की है कि सिरात का ताल्लुक कितनी चीजों के साथ है। यहाँ पे सिरात का ताल्लुक कौन कौन से लफ्ज के साथ है एक बता दें। ये देखो देखो याद देखो किसके साथ है, हाँ जी एक का नाम बताना है, दूसरा नहीं आप बताएं किस रात का ताल्लुक दूसरा किसके साथ है, नहीं बता नहीं बता मजदूर। अच्छा तीसरा गलत जाली सिरात जो है इसका ताल्लुक तीन चीजों के साथ है, एक अनामता के साथ, एक जो है अलमखदूद के साथ और एक अज़ालीम के साथ। ये रास्ता दिखाना है अल्लाह उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किए, और रास्ता नहीं दिखाना उन लोगों का जिन पर तेरा क्या हुआ है गजब हुआ है, और रास्ता नहीं दिखाना उन लोगों का जिन पर जो लोग क्या हुए हैं गुमराह हुए हैं। मजाक ये बात इस हवाले से कोई बात इस सूरत फातिहा के अंदर जो हमने पढ़ी है किसी को कोई बात और कोई इश्काल सूरत फातिहा के हवाले से हो वो बंदा कर सकता है पूरी सूरत फातिहा के हवाले। मेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं वो इस तरह है कि आपने कहा है कि गैर मखज़ूब जो मखज़ूब है वो इशारा किया गया है या बताया गया है यहूदियों की तरफ से, ठीक है ना, जबकि वज़ालिम वज़ालिम कहा गया है नसारा की तरफ से, जो यहूदी हैं उन पे गजब हुआ है, जो नसारा हैं वो गुमराह हो गए। गजब और गुमराह में क्या फर्क है? जो कैटेगरी होती है कि बंदा जो है ना वो गुनाह के अंदर किस किस दर्जे के अंदर पहुंचता है, यहूदी वो लोग हैं कि इनके बारे में कहा गया है कि क़यामत के करीब जो है ना वो ज़ुकूम है, नहीं ज़ैतून नहीं ज़ैतून का दरख्त, इसी तरह कोई दरख्त का नाम है मेरे जहन के अंदर नहीं आ रहा। अगर कोई यहूदी उसके भी पीछे छुपा होगा ना तो उसको भी जहर कर देंगे, ये यहूदी ऐसे लोग थे, ये लोग मुनाफिक थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आज बैठते कि हम तो आपके हैं, फिर वो बीच वाली बातों को जाकर उनको मजाक करते। सबसे ज्यादा जिन्होंने ठेस पहुंचाई है इस्लाम को यहूद लोग हैं, कि उन पे अल्लाह का गजब हुआ है, अल्लाह का राज है उनपे, और नसारा जो है ना वो भी लोग गुमराह हैं, लेकिन वो गुमराही से एक दर्जा पीछे और यहूदी एक दर्जा आगे हैं। नसारा जो है वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद, ये जो है ना ये लोग हैं नसारा के जो ईसाई लोग हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं, ये कहते हैं कि अब अल्लाह ताला का उन्होंने इब्नुल्लाह बना दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला के बेटे हैं, ठीक है, और हमने तो बाइबल पढ़ी है, उस हवाले से अगर बात इन्होंने पूछी है तो मैं कर रहा हूँ। बाइबल के अंदर पता है क्या लिखा है, बाइबल जबकि ईसाइयों की किताब है और उसके अंदर लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब हुई, सलीब का क्या मतलब है कि उनको सूली पे लटकाया गया, सूली पे लटका के उनको कत्ल कर दिया गया है, अब कोई भी ईसा नहीं आना, वो ईसा का लफ्ज नहीं बोलते, वो मसीह अलैहिस्सलाम का लफ्ज बोलते हैं, ईसाई कभी भी ना ईसा नहीं कहेंगे या यसू मसीह कहेंगे या मसीह कहेंगे, सिर्फ ये कहेंगे, कहते हैं कि उनको स्लीप हुई तो उनको जो है ना वो कत्ल कर दिया गया, कि जो उनको कत्ल किया गया किस उम्र में कत्ल किया गया, कि जो हम गुनाह करते हैं जो करेंगे उन सब का वबा जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अदा कर दिया है, अब हमारे जिम्मे कोई बात भी नहीं है, अब एक तो अल्लाह का बेटा करार दिया, एक उनको कत्ल करने का जो इल्जाम लगाया, जबकि अल्लाह क्या कहता है कि उनको कत्ल नहीं किया गया बल्कि उनको मैंने उठा लिया है, अब किस तरह उठाया अल्लाह ने ये नहीं बताया, हम क्या जाने कि किस तरह अल्लाह ने उठाया, और अल्लाह दोबारा भेजेंगे और उनकी दुआ की अब जब वो आएंगे वो नबी बन के नहीं आएंगे बल्कि वो उम्मती बन के आएंगे। हाँ जी ईसा अलैहिस्सलाम, कोई बात और समझ नहीं आई, कंसेप्ट क्लियर हुआ है? मेरे इल्म के मुताबिक आप मेरी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं, मेरे जो नॉलेज के मुताबिक ये है कि जो यहूदी है ना वो यीशु मसीह की इबादत करते हैं, ठीक है, नसारा जो है वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से है। नहीं 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 नहीं, यहूदी तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के हैं यहूदी तो, अच्छा
हाँ जी, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अय्यूब जी, वो वाक्य नहीं है, कहता मशहूर जमाना वाक्य है कि एक जो है ना दरख्त था और वो खजूर जो थी ना वो टेढ़ी थी, तो उस खजूर पे परिंदे बैठते थे और उसे जो खजूरें नीचे गिरती थी, साथ साहबी का घर था, तो जब वो जालिम जो है ना वो देखता तो उनके बच्चों पे चेहरों पे तमाचे मारता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबी ने आज बताया कि इस तरह का मामला है कि वो यहूदी इस कदर जुलम करता है, ये यहूदी ये है, बात ध्यान कर रहे हैं कि यहूदी हमारे पैदावार, यानी कि यहूदी किसकी पैरवी करते हैं? यहूदी जो है ना ये लात मनात उज़ा ठीक है हुबल, ये जो पांच कुत्तों का जिक्र कुरान के अंदर भी मौजूद है ना, ये उनकी बात कर रहे हैं। ये इनके जो है ना इबादत के तरीके आप मुख्तलिफ होते हैं, आप नेट पे रिसर्च कर सकते हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरी है, जिस तरह मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ फिरके हैं ना, इनके अंदर भी इसी तरह है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो है ना वो पंडित की इबादत को करना जो है ना वो बस यही समझते हैं कि उसकी इबादत करनी है, वो मूर्ति बनी होती है ना उसकी इबादत करनी है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि उसकी इबादत को जायज नहीं समझते, वो सूरज की इबादत करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चांद की इबादत करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो है ना वो जमीन के ऊपर जो है ना लेटकियां मारना उसको इबादत समझते हैं, वो उसको अपना रब समझते हैं जिसकी इबादत करते हैं, सूरज को अपना रब समझते हैं, गाय को अपना, ये तमाम वो लोग हैं। हाँ जी, अल्लाह को वाहिद ला शरीक नहीं समझते ये लोग। अच्छा, अल्लाह को वो अल्लाह समझते हैं, जैसे भगवान हिंदू वो बोलते हैं, ठीक है, या आप के दौर में वो अल्लाह को भी मानते थे और बुतों को भी मानते थे? असल में जिस तरह हमारे दौर के अंदर ना मुशरिकीन की मुख्तलिफ कैटेगरी है, कुछ तो ऐसे मुशरिक हैं वो कहते हैं ठीक है अल्लाह है, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह के प्यारों की बात भी माननी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं कि अल्लाह के प्यारे कौन होते हैं? अल्लाह के प्यारे वो अंबिया होते हैं। कुछ कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे अंबिया के साथ साथ जो है ना वो इबादत करार मसूफिया जो है ना वो भी है। अब देखें इनके अंदर जिस तरह मुशरिकीन के अंदर मुख्तलिफ किस्में बन जाती है ना, तो इसी तरह यहूदियों के अंदर भी मुख्तलिफ किस्में हैं। हाँ जी, हाँ वो जो ये लोग है ना इन्होंने तस्वीर कशी की, उनको बना के रख दिया, पहले लोग आए उन्होंने सिर्फ बना के रख दिया कि ये इबादतगार लोग थे, ये अल्लाह के बहुत प्यारे थे, कि इनकी तस्वीरें होनी चाहिए यादगार के लिए। अच्छा, अगली नस्ल आई वो कहती है कि ये तस्वीरें ऐसे नहीं बनी हुई थी, बल्कि इनका जो है ना खुशी ख्याल रखना चाहिए, इन पर नजर न्याज देनी चाहिए। अब जो तीसरी नस्ल आई उसने कहा कि इसकी नजर न्याज इसकी इबादत की है। इसी तरह जो है ना वो अब ये बड़े भयानक नाम करते पहुंच गए हैं, ये अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते, ये कहते हैं कि अल्लाह कोई है ही नहीं, और यही चीज है ना सबसे ज्यादा यहूदी मुसलमानों के अंदर इलाहाद पैदा कर रहे हैं। मुसलमानों के पास आके बैठते हैं, कहते हैं अच्छा आप किसको मानते हैं? कि अल्लाह को मानता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अल्लाह को मानते हैं, यार ठीक है आप बात तो ठीक करते हैं, लेकिन यार ये बात समझ नहीं आती कि अल्लाह कौन है यार, कभी हमने देखा नहीं है, तो जिसको देखा नहीं है हम उसकी इबादत कर रहे हैं, तो ये तो जमीन जो है ना वो खुद ब खुद बनी है, वो बिग बैंग थ्योरी जो पढ़ी है आपने उसका नजरिया पेश करते हैं, नजरिया इर्तका पेश करते हैं। अब तमाम चीजों की इतराज करना जो है वो काफी बात दरकार है उसके लिए। अब बिग बैंग थ्योरी क्या है और उसके दलाइल और उसका रद्द क्या है, नजरिया इर्तका का रद्द क्या है, ठीक है, अब शॉर्ट कट जो है ना अब सवाल हो गया, तो नजरिया इर्तका क्या है? ये कहते हैं कि समंदर के है ना एक पाई नुमा हुई, उसके बाद जो है ना वो एक जर्रा जो है ना वो बन गया, तो उस जर्रे के अंदर इन्फिनिटी एनर्जी थी जो हमें माइक्रोस्कोप के जरिए से भी नजर नहीं आ सकता, उसके अंदर क्या थी? इन्फिनिट एनर्जी मौजूद थी, लामहदूद लामतनाही, कि उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी थी। वो फटा, उसके फटने की वजह से जो है ना एक पौधा बना है, और पौधों से इस तरह करते करते जो ऐसा ऐसा वो जानवर बने, जानवरों से बंदर, बंदर से जो है ना वो इस तरह वो छलांगे लगाता, बंदर बंदर से इंसान बन गया। ये इस तरह के तकलीफ कहते हैं, कहते हैं कि अल्लाह कोई है ही नहीं, बिल्कुल साफ तक। हाँ जी, यानी कि कहानी करते हैं, अहमदी फिरका, अहमदी फिरका कादियानियों का बहुत अच्छी बात आपने की है, इस हवाले से बात होनी भी चाहिए। जो कादियानी लोग है ना उनके अंदर एक फिरका अहमदी फिरका है,
ये लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि आप कलमा पढ़ते हो, क्या कलमा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहते हैं कि ये भी हम भी कलमा पढ़ते हैं, ये पढ़ के बताते हैं कि हम भी कलमा पढ़ते हैं, लेकिन इनके इस कलमा से और इस मोहम्मद से मुराद जो है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुराद नहीं लेते, बल्कि वो मिर्जा अहमद कादियानी को मुराद लेते हैं, मिर्जा कादियानी लांती को मुराद लेते हैं वहां पे, वो अहमद से मुराद जो है ना वो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस्तेमाल करके बैकवर्ड के अंदर अपने मिर्जे को शामिल करते हैं, उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस हवाले से जो है ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना तकरीबन एक माह हो गया कि मैं सोशल मीडिया पे इसका वर्क कर रहा हूँ कि उनके अकली दलायल क्या है, उनका रद्द क्या है, हफ्ते के अंदर दो लेक्चर होते हैं सोशल मीडिया पे अपने नबूवत के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम कर रहा है। बात समझ आ गई है, बात बहुत दूर निकल जाएगी अगर यहाँ पे कादियानियत पे बहस हो गई ना, बात बहुत दूर निकल जाएगी, कोई बात सूरत फातिहा के लिहाज से समझ आई है नहीं। सवाल आप 100 सवाल करें, सवालों के जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ, उसका नहीं है, जो नहीं आएगा बता देंगे कि भाई नहीं आता, इसका कल देख के बता देंगे, इस लिहाज से किसी को कोई बात समझ नहीं आई, कल सारी सूरत फातिहा का टेस्ट होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उनको विष्णु ने उठाया था, वो कहा गया है कि अल्लाह ने उनको उठाया है, अब किन के जरिए से उठवाया, जाहिर है कि उनको फरिश्तों के जरिए से उठवाया, रूह को भेजना, पैगामों को भेजना, रूह को वापस ले जाना, ये किन का काम है, ये फरिश्तों का काम है, तो हजरत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने उठाया है, वो किस तरह उठाया, हम उस पे कयास करते हुए ये कह सकते हैं कि फरिश्तों के जरिए उठाया। हाँ जी, भाई ने सवाल किया कि हजरत ईसा अलैहि सलाम की शक्ल का कोई इंसान था, अब बात यह है कि बात हुई मैं जो बात करेंगे वो बात दूर तक निकल जाएगी, हजरत ईसा अलैहि सलाम को जब अल्लाह ताला ने उठाया और ईसाइयों ने सलीब दी, आखिर वहां पे भी तो कोई शहीद हुआ है, वहां पे किसी को कत्ल किया गया है, वो तो कहते हैं कि हमने तो हजरत ईसा अलैहि सलाम को सलीब पे चढ़ाया, लेकिन अल्लाह कहता है कि मैंने उठा लिया उसको, उनको सूली पे भी लटकाया गया और उनको उठा भी लिया गया, हजरत ईसा अलैहि सलाम की शक्ल का एक दूसरा बंदा था, अल्लाह ताला ने उसको वहां पे खड़ा कर दिया, उसको वहां पे खड़ा करके अल्लाह ने उनको उठा लिया, अब वो कहाँ रहता था, वो कैसा था, उसके बारे में इस्लाम खामोश है, उसके बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला उनके बेटे का क्या नाम है, अब्दुल रहमान अब्दुल वफूर अब्दुल्ला नाम है, और आप बात बता दें कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला जो है वो मक्का के अंदर रहे, मदीना के अंदर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर मक्का के अंदर रहे हैं, इस्लाम मक्का के अंदर कबूल किया, मदीना के अंदर, मक्का के अंदर कबूल किया, क्योंकि बचपन में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, इन्होंने हिजरत की है या नहीं की, जब मक्का के अंदर इस्लाम कबूल किया है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने पैरोकार थे सारे मक्का को छोड़ के आ गए थे। अच्छा, जिस मकाम पे दफन किया गया इनको, वो मकाम का नाम, मकाम का नाम बताया है, लिखा भी है मैंने, लिखा है मैंने, हाँ जी, मकाम जीतवा मकाम नहीं बताया मैंने, बताया। अच्छा, जीतवा मकाम पे जो है ना वो इनको दफन किया गया, कितनी हिजरी में, कितनी हिजरी में, कितनी हिजरी में, हाँ जी, 74 75 75 73 हिजरी में। अच्छा, हदीस सुना दे, जुबानी आप हदीस सुना दे, जुबानी जुबानी नहीं आती, किताब नहीं थी, देख के तर्जमा सुना दे, जुबानी आती है, तर्जमा सुनाया, आप भी सुना दें, सुनाए
वजू जो है वो शर्त है अल ईमान। ईमान से क्या मुराद होगा?
ईमान से क्या मुराद होगा, ईमान से क्या मुराद होगा, ईमान से क्या मुराद होगा, हाँ जी ईमान से क्या मुराद होगा, वजू बता दिया है यार, वजू किसके लिए शर्त है, नमाज के लिए शर्त, इबादत बाकी कुरान पढ़ना हो जाता है, जिक्र अज़कार हो जाता है, हाँ ईमान से मुराद नमाज है, है नी, बगैर वजू के कुरान मजीद पढ़ा जा सकता है, अगर हैजा औरत भी है ना, हैजा औरत है तो कुरान मजीद को छू के नहीं पढ़ सकती, वैसे पढ़ सकती है, ठीक है, बगैर वजू के पढ़ सकता है, जब हैजा औरत पढ़ सकती है तो बगैर वजू की बात नहीं। अच्छा हमने जो बात करनी है ना वो आज पकीज़गी के अतबार से बात करनी है कि हम अपने वजूद के अतबार से बात करेंगे। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो आज सवाल करते हैं जी ये हाथों के बाल काटना कैसे हैं, ये सीने के बाल काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, और उसके बाद जो है ना अपनी टांगों के अपनी शर्मगाह के बाल काट सकते हैं या नहीं काट सकते। पहली बात जो है ना वो याद रखें, अपने हाथों के बाल काटना, अपने सीने के, अपने टांगों के, अपनी उंगलियों के ऊपर ये बाल हैं और पाँव की उंगली के बाल हैं, इसके बारे के अंदर शरीयत खामोश है, इसके बारे के अंदर शरीयत क्या है, खामोश है कि आपकी मर्जी है, अगर आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहते तो आपकी मर्जी है। लेकिन शर्मगाह के हवाले के साथ अक्सर बंदों को ये नहीं पता होता कि इस्लाम हमें क्या कहता है कि हम किस तरह अपनी सफाई करें, किस तरह अपने आप को पाक करें। जब बंदे के बातिन पाक नहीं होता ना उस बंदे की नमाज कबूल नहीं होती। अक्सर बंदे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि ज़ेरे नाप बाल काटने की कितनी मुद्दत है, क्या मुद्दत है, क्या उसके अहकामात हैं, आके नमाजें पढ़ रहे होते हैं। जब बातिन पलीत है ना, जाहिर पाक है तो नमाज कबूल नहीं है। याद रखें कि ज़ेरे नाप बाल काटने के बाद से इमाम इब्ने हजर अल-असक़लानी रहिमहुल्लाह की बात हम फतुल बारी के एतबार से बयान करते हैं, उन्होंने बात नकल की है इमाम नौवी रहमतुल्लाह की। उन्होंने किन की बात नकल की है, इमाम नौवी रहमतुल्लाह की। इमाम नौवी रहमतुल्लाह वो है जिन्होंने शरह मुस्लिम के अंदर जो है ना वो हाशिया लगाया, वो है इमाम नौवी रहमतुल्लाह के। शरह जो हमें हदूद बताती है ज़ेरे नाप बाल काटने की, जो हदूद बताती है कि हमारे पेट की जो नाप है ना, नाप से लेके, नाप से नीचे से लेके जो हमारे इर्द गिर्द बाल होंगे, नाक से नीचे और हमारे उज़्ब और उसके दरमियान और खुशिया तहन, खुशिया तहन समझते हैं, खुशिया तहन उसकी सफाई करनी है, उसके बालों को काटना है और अपने उसके तनासुब से उसके ऊपर से उसके इर्द गिर्द से जो है ना वो सफाई करनी है। ये बात हो गई। और दूसरी बात कि अक्सर बंदे के पता नहीं होता सवाल नहीं करते सिर्फ शर्मिंदगी की वजह से कि जिस तरह अपने शर्मगाह का इसका हुक्म दिया है कि इसको साफ करना है ना, उसी तरह दुबई का भी हुक्म दिया गया उसको भी साफ करना है, क्योंकि वहां पे बंदा पखाना करता है तो अक्सर खाना जो है ना वो बालों के अंदर ठहर जाता है, जिसकी वजह से ना उसका बातिन पलीत हो जाता है और उसकी नमाज कबूल नहीं होती। जिस तरह अपने ज़ेरे नाप बालों को साफ करना है उस तरह इसको करना है। दोबारा सुन लें कि कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक करना है, ज़ेरे नाप से लेके अपने उसके तनासुब से ऊपर और जो उसकी जो उसका दायरा है, जो उसका दायरा है कि आपको पता है कि वहाँ पे कोई गंदगी वाली चीज़ नहीं लग सकती, तो वो चीज़ आपने क्या करनी है, साफ करनी है। और कितने दिन बाद आप साफ करें और किस चीज़ के साथ साफ करें, और चीज़ है जो बंदा जो बंदे के अंदर तवना होती है, ताकत पैदा होती है बंदे के अंदर, इस्लाम ने वो तमाम तरीके बताए कि बंदा जो है ना वो दूसरी क्रीम वगैरह या सेफ्टी वगैरह का इस्तेमाल से बचते हुए उस तरह का इस्तेमाल करें। जो अपने अंदर जो है मर्दगानी खुद पैदा करना चाहते हैं ना, वो इन चीज़ों को छोड़ के ना, सेफ्टी वगैरह या क्रीम वगैरह को छोड़ के वो जो है ना इसका इस्तेमाल करें, किसका, उस तरह का इस्तेमाल करें, इस चीज़ का इस्तेमाल करें। इस बात से बात समझ आ गई है, अगर नहीं आई किसी को कोई इश्काल है वो पूछ ले, मुद्दत, हाँ मुद्दत के अतबार से बात करा देंगे। कम अज कम जो है ना बंदे को जो है ना हफ्ते में एक मरतबा जरूर साफ करना चाहिए, और जो बंदा 40 दिन से ऊपर कोई दिन हो जाते हैं ना और बंदा उसकी सफाई नहीं करता तो बंदे की नमाज कबूल नहीं है, बंदे की नमाज कबूल नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, औरत भी सफाई करेगी और मर्द भी सफाई करेगा, बराबर है। हाँ जी, और उसके बाद दूसरी बात है कि जिस्म के बालों के अंदर जो है ना वो अक्सर बंदे के बगल के बाल होते हैं, बगल के बाल होते हैं जिसका इब्तदा है, और जिसकी इब्तदा है तो उसके लिए ये है कि वो
वो बंदा जो है ना वो मोचने के साथ उसे खेचे। सुन्नत तरीका ये है कि मोचने के साथ क्या है उनको खेचे। अब कहेंगे वो तकलीफ बहुत होती है, दर्द बहुत होती है, वो वजह क्या है कि हमने ब्लेड इस्तेमाल करके सेफ्टी इस्तेमाल करके हमने वो ज्यादा बाल कर, हमें आज तक पता नहीं था, शायद कि हमें पता होता तो आज हम इस नौबत तक ना आते। तो लिहाजा अगर कोई बंदा अमल करना चाहता है तो उसके लिए जो है ना वो टीम आ गई है हमारी टीम के अंदर ना। तो वीयर कैंस के बाद से कोई क्रीम है तो उसको बंदा लगा के बाल गर्म हो जाते हैं, उसके बाद खींचने के अंदर बाल आसानी हो जाती है। और एक दिन ऐसा होगा कि आप इस हदीस पे भी अमल कर लेंगे और आपकी बकरियाँ जो है ना वो धुएं वगैरह बनाना जो हराम है ये नहीं बना सकते। हाँ जी ये नहीं बना सकते, चेहरे पे मैं नहीं आ रहा, उसके अंदर कई बंदों को परेशानी का सामना होगा, इसलिए मैंने वो बात नहीं। हाँ जी दाढ़ी रखना फर्ज है, सुन्नत नहीं है। सुन्नत वो चीज़ होती है जो रसूलुल्लाह सल्लम ने कभी की है कभी छोड़ दी है, या सुन्नत वो है जो रसूलुल्लाह सल्लम ने दबा दी है और मजबूरी की हालत के अंदर उसके अंदर तकलीफ भी हो गई है, जिस तरह बंदा सफर की हालत के अंदर है सुनते माफ है, ठीक है। नफल और चीज़ है, सुन्नत और चीज़ है, दाढ़ी रखना ये फर्ज है, वाजिब है, रसूलुल्लाह सल्लम ने रखी है, नहीं कटवाई। बाद लोग इस्तदलाल करते हैं, एक कौल मिलता है एक सहाबी का कि उन्होंने हज के मौका के ऊपर जो है ना वो एक मुठ जो है ना उसके आगे जो दाढ़ी थी ना वो कटवाई है, सारी जिंदगी के अंदर उनसे वो अमल मिलता है। जब आप याद रखें एक हदीस होती है मरफू होती है एक मकूफ होती है, इस बात को छोड़ें, एक बात है अगर रसूलुल्लाह सल्लम का अमल है एक अमल सहाबी का अमल है। मुहद्दिसीन ने जो बात बयान की है वो कहते हैं कि उस सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लम की वो हदीस नहीं पहुंची जिसके बाद उन्होंने वो दाढ़ी कटवाई है, और उस कटवाने के बाद उनको पता लग गया कि उन्होंने जिंदगी के अंदर ना ही इसकी दावत दी है और ना ही कटवाई है, ना ही दावत दिया और ना ही कटवाई है। ये फर्ज है हर बंदे पे रखना जो है ना ये जरूरी है। और याद रखें जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लम की शफात को हासिल करना चाहता है कि क़यामत वाले दिन मेरी रसूलुल्लाह सल्लम शफात करे तो वो बंदा दाढ़ी रखे। जिस बंदे के चेहरे के ऊपर सुन्नत रसूल नहीं होगी रसूलुल्लाह सल्लम उस बंदे की शफात नहीं करेंगे। बारकअल्लाह फीक, ये सख्त बातें हैं तो इस बात से नाराजगी का मसला पेश हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा या इब्ने उमर, तो इब्ने उमर से मरवी है, वो बात बयान कर दी है मैंने हज के मौका की, वो रिवायत बयान कर दी है कि उन्होंने एक मुठ के अंदर से जो आगे बाल थे वो काटे थे जबकि पूरी या कैंची वगैरह इस तरह नहीं लगाई। अगर जो उनका एक तीन चार के जवाब दिए, पहली बात है कि उनके इलम के अंदर वो बात नहीं थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, जब उनके इलम के अंदर आई उसके बाद उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने एक प्लेस के ऊपर से जो किया है इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कोई अमल भी साबित नहीं है, किसी साबित से नहीं साबित, यानी कि पता लगता है उन्होंने अपना क्यास किया है और इतना इतिहाद किया है। जब सहाबी का इतिहाद और सहाबी का अमल रसूलुल्लाह सल्लम की बात और हुक्म से टकरा जाए तो सहाबी के कौल को नहीं माना जाता बल्कि हदीस मुस्तफा को तस्लीम किया जाता है। हाँ जी दाढ़ी के बाल वो कहाँ से हैं, ये बात याद रखें कि ये जो आपकी हड्डी है ना ये वाली हड्डी यहाँ से आपकी दाढ़ी शुरू हो जाती है, और जो बाल आपके आंखों के अंदर नहीं जाते यानी कि कुछ बाल होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि ये गाले हैं ये रुखसार हैं, ये दाढ़ी का महल नहीं है, जगह नहीं है, उसको कटवाना और तरछवाना वो जायज नहीं है, बल्कि चंद बाल होते हैं, कई कई बंदे ऐसे होते हैं कि जिनके आ जाते हैं उनकी मजबूरी हो जाती है। जब रसूलुल्लाह सल्लम सलाम फेरते थे तो सहाबा फरमाते हैं कि आप सल्लम के आप रुखसार जो है उनको देखते हैं, यानी कि आपके चेहरे के ऊपर यहाँ पे जो है ना वो बाल नहीं थे, तो लिहाजा जो बाल जो है यहाँ पे और आंखों के अंदर आने लग गए। तो अब तो ऐसा होता नहीं है, मैंने तो कोई बंदा नहीं ऐसा देखा, अगर होगा तो फिर उसका हाल भी हो जाएगा। वो हराम काम करती है, गुनाह का काम करती है, क्या हो जाए। हाँ जी ठीक है, बाद लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग जो है ना इधर से दाढ़ी कटवा लेते हैं इधर से बढ़ा लेते हैं, ये सुन्नत रसूल का ये मजाक नहीं है, ठीक है। अब ये सुन्नत रसूल से मजाक करते हैं, मजाक नहीं होना चाहिए, अगर जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लम की बात हो तो है नहीं, कभी छोटी कर ली कभी कभी बड़ी कर ली। बंदा पता क्या कहता है, अब मैं बात करता हूँ, एक बंदा कहते हैं कि अगर कोई बंदा कोई गलती हर बंदे से हो जाती है, कहते हैं यार दाढ़ी क्यों नहीं रखता, यार गुनाह हो जाता है, सुन्नत रसूल चेहरे पर रखी हुई है गुनाह हो जाता है। अच्छा दाढ़ी कटवा दोगे गुनाह करना छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे, एक गुनाह तो आपका गुनाह करना है, और वो गुनाह आप उसको तरवीज देने के लिए तकबीयत देने के लिए आप दूसरा गुनाह भी कर रहे हैं दाढ़ी कटवा के
कई ऐसी जगहें होती हैं कि दाढ़ी बंदे को रोक देती है, शर्म पैदा कर देती है, हया पैदा कर देती है, नजरों को झुका देती है। औरत के लिए पर्दा है, मर्द के लिए दाढ़ी है। औरत की निशानी पर्दा है, मर्द की निशानी दाढ़ी रखना है। पता लगता है कि ये मर्द है, ये औरत है। जो बेपर्द औरत को उसके बारे में वईदे बहुत हैं। और ये दाढ़ी का मसला भी जो है ना, एक बहुत पचीदा हमारे माशरे में बन गया है। तो बस जो लोग भी आज यूनिवर्सिटियों का आलम है, क्या हजारों लड़के होते हैं, दाढ़ी वाला आपको एक भी नजर नहीं आएगा, बामुश्किल एक दो नजर आएंगे। आएंगे लोग उनको ताने देंगे, कई ऐसे लोग देखे उन्होंने दाढ़ी को कटवा दिया। याद रखें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लम की बात और रसूलुल्लाह सल्लम पे अमल करने के लिए हमें कुछ बात हमें ताना लोग देते हैं ना, फखर समझे यार। असहाब कितनी अजीतें और तकलीफें आई हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला को आग के अंबारों पर लिखा है, कहते हैं कि जुबान में ताकत है, बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने सिखाई है। ये अंगारे जो है ना, मेरे खून के साथ ठंडे हो सकते हैं, बिलाल हबशी का जोश ठंडा नहीं हो सकता। अपनी जुबान के अंदर से अल्लाह ताला के हम्द व सना के साथ बोलते रहे। किसी बंदे कोई सवाल है, कोई बात समझ नहीं आई, पटकी के बाद असल में बात ये बताइए कि एक बात की है जिस्म के हवाले से ना, गुस्ल के एतबार से आगे कोई भी बात भी आएगी ना, हम अब मैंने सोचा है कि जो हमारे मसायल होते हैं, अब तहारत के अंदर ये मसला लाना मेरा फर्ज था, बताना मेरा फर्ज था। इसी तरह आगे जिस तरह आगे और आएंगी हदीसें, तो उसके रिलेटेड हमारे जो माशरे के अंदर जो पेशदा मसायल हैं हमारे हैं, इंशाल्लाह मैं बयान करूंगा। अगर मैं ना कर सकूं, आपका फर्ज है जिस तरह उस्मान भाई ने इशारा किया गुस्ल के एतबार से, तो इंशाल्लाह आंदा जरूर कहते हैं कि हम उसके अंदर इसका जिक्र कर लेंगे। आज जो बात की है फकीर की और तहारत के एतबार से, इसको अपने जहन नशीन कर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का क्या नाम है? आप बताएं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का क्या नाम है? हजरत इब्राहिम। अच्छा, उसके बाद बता दें कि सबसे पहली रसूलुल्लाह सल्लम की बीवी का क्या नाम है? हजरत खदीजा। कितनी उम्र के अंदर शादी की है रसूलुल्लाह सल्लम ने हजरत खदीजा से? 35 साल की उम्र के अंदर। अच्छा, ये कोई बात बात बयान कर सकता है कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला से शादी की है तो ये बेवा थी, कुमारी थी? बेवा, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया है? मर्दों में, औरतों में, लड़कों में? हाँ जी, हजरत अली का बेटा। मुतनब्बा बेटे का नाम? हाफसा, जैद बिन हाफसा, ठीक हो गया। उसके बाद ठीक है, आगे पढ़ लें। इस्लाम के लिए ना सबसे पहले जिस बंदे ने अपना घर बार छोड़ा है उनका नाम है हजरत लूत अलैहिस्सलाम। सबसे पहले जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा है उनका नाम है हजरत लूत अलैहिस्सलाम। और उनके बाद सबसे पहले जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा है उनका नाम है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला वो हैं जिनके घर रसूलुल्लाह सल्लम की दो बेटियां हैं, जिनके घर रसूलुल्लाह सल्लम की दो बेटियां हैं। और रसूलुल्लाह सल्लम की बेटियां, रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि अगर उस्मान मेरी कोई और भी बेटी होती ना, वो भी मैं आपके निकाह के अंदर देखता। यानी कि उस्मान इतना बड़ा है, रसूलुल्लाह सल्लम बैठे हुए हैं तो अबू बकर आए, फरमाया कि जो बंदा आ रहा है उसको जन्नत की खुशखबरी दे दो, बंदा जन्नत में है। आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों के ऊपर कपड़ा नहीं था, जिस तरह बंदा कच्चा वगैरह पहन के बैठा होता है उसी तरह का कोई लिबास पहन के बैठे हो, राने वगैरह जो है ना वो गायब। तो फरमाया जो बंदा आ रहा है उसको जन्नत की बिशारत दे दे। हजरत अबू बकर आए,
बैठ गए, हजरत उमर आए बैठ गए, हजरत उस्मान आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपना कपड़ा ऊपर कर लिया, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं ऐ पैगंबर हम आए हैं, बकर भी आए, उमर भी आए, आपने अपने रानों पे कपड़ा नहीं किया, तो आज हजरत उस्मान आए तो अपने रानों पे कपड़ा कर लिया। मैं कि ये उस्मान वाहिद वो शख्स है कि अल्लाह ताला इनसे हया करते हैं, जिनसे अल्लाह हया करे मैं क्यों ना हया करूं, मैं कि मैं इसलिए अपने जो है ना रानों के ऊपर कपड़ा कर लिया। हजरत उस्मान अली रज़ी अल्लाह ताला वो इंसान है, और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना यार ये काम करना है, हजरत उस्मान ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी जी ये नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं कि जो आपने कह दिया वो है। अब कहते हैं कि अब बात ये कि हम बाद में बात करेंगे इस हवाले से ना, अहले बैत के हवाले से कल बात बतानी है, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से आपने याद करवानी है, तो कल बात मैं करूँगा। बहरहाल हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला सॉरी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये हजरत उस्मान अली रज़ी अल्लाह ताला की बीवी है। सबसे पहले इनको लेके हबशा की तरफ जो हिजरत की है वो हजरत उस्मान अली रज़ी अल्लाह ताला ने, इस्लाम के लिए घर बार छोड़ना जो है ना वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, जहाँ पे बंदा रहता है दोस्तों को रिश्तेदारों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस्लाम के लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। रजब पांच नबूवत में सबसे पहले उस्मान अली रज़ी अल्लाह ताला घर बार छोड़कर अपनी 2000 रुपया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी को साथ लेकर हबशा को रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर के बाद उस्मान रज़ी अल्लाह ताला पहला शख्स जिसने अल्लाह की राह में घर बार छोड़ा। इनको समंदर तक 5 औरतें 12 मर्द जा मिले, यानी कि इन्होंने ये हिजरत के लिए जा रहे थे और लोग भी शामिल हो गए, ये लोग जा रहे थे इनके साथ और लोग भी शामिल हो गए, उनमें 5 औरतें थी 12 मर्द जा मिले। इनके पीछे बहुत मुसलमान हबश गए, इनमें सैयदना जाफिर तैयार रज़ी अल्लाह ताला भी थे, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला उनके सगे भाई। बात काफी है, अल्लाह मुबारक दुआए इस्तिफ़ाद मान दे, दुआए इस्तिफ़ाद मान किसके लिए झुका लिल्लज़ी अल्लाह के लिए खलक़हु जिसने इसको क्या किया है बनाया है वशक्का समाहु वशक्का और उसने सुराख किए समाहु इसकी सिमात के अंदर
उसके कानों के अंदर सुराग किए, वह बसराहु और उसकी आंखों के अंदर सुराग किए, बिहाउली और इसके इर्द गिर्द मुंह के अंदर नाक के अंदर ठीक है इसकी उंगलियों के अंदर फतबारक बहुत बबरकत है अल्लाह अहसन खालिकीन अहसन सबसे ज्यादा अच्छा है खालिकीन पैदा करने के बाद सबसे ज्यादा अच्छा पैदा करने साजदा सजदा किया वजी ही मेरे चेहरे ने किसके लिए लिल्लज़ी अल्लाह के लिए किया खलकहु जिसने उसको पैदा किया वशक्का समाहु वशक्का और सुराह किया उसके समाहु उसकी सिमात में उसके कानों में बबसराहु और उसकी आंखों में बिहौलिही इसके इर्द गिर्द मुंह के अंदर कट लगाया नाक के अंदर सुराख किया उंगलियों के अंदर सुराख किया इसके जिस्म के अंदर छोटे छोटे सुराख किए कुवत ही और इसको कुवत दी फतबारक ये आंखें बना के बेयारो मददगार नहीं छोड़ा फिर इसके अंदर कुवत रखी देखने सिमात की कुवत रखी फिर क्या वह कुवत ही फिर जिस्म के अंदर ताकत रखी हाथों के अंदर ताकत फतबारक बहुत बबरकत है अल्लाह असम अलकीन जिसने सबसे अच्छी तरफ की है सबसे प्यारी ठीक हो गया बात ये सज्जा तिलावत नहीं होता जब कुरान मजीद में सज्जा आ जाता है उसमें पढ़ते हैं नमाज जैसे खड़े हैं सजदा होता है ना सजदा उसके अंदर सुभान रब्बी अल आला सुकून कुद्दूस ये नहीं पढ़ते बल्कि ये पढ़ते हैं साजदा वजी खलका हुआ शक्का समाहु व बसरहु तर्जुमा जिसको समझ नहीं आया दोबारा कर दे साजदा सजदा किया झुका वजी मेरा चेहरा लिल्लज़ी अल्लाह के लिए खलकहु जिसने पैदा किया वशक्का समाहु और वशक्का समाहु जिसने सुराख किए इसके कानों में वबसरहु और इसकी आंख में बिहौलिही और इसके कुव्वत ही और इसकी कुव्वत में और इसको कुव्वत दी तबारक अल्लाह बहुत बबरकत है अल्लाह अहसन खालिकीन पैदा करने के एतबार से सबसे अच्छा है ये हाँ जी हाजरी 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 अब आगे जो बंदा जो है ना आप में से भी जो बंदा रुकाना आना चाहता है ना वो